एसजीपीसी प्रधान भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल वालों आज अमृतसर पहुंच की गई। इस मौके गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि पहली बार प्रकाश पर्व मनाने लई पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं नु सिर्फ 5 दिन का वीजा पाकिस्तान सरकार वालों दिता गया है। इस नाल श्रद्धालुओं दी भावनावां नु ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि जनरल इजलास 27 तारीख नु तेजा सिंह समुद्री हॉल विच कीता जाएगा। इस जनरल इजलास विच प्रधान उप प्रधान अते एग्जैक्टिव मैंबर दी चोण कीती जाएगी। उन्होंने कहा कि 27 तारीख नु 508 श्रद्धालुओं दा जत्था पाकिस्तान जावेगा जो सिर्फ 5 दिनां लई जावेगा। भाई लोंगोवाल ने करतारपुर कोरीडोर बारे बोलदिया कहा है कि भारत सरकार नु करतारपुर लांघा जल्द ही खोलना चाहिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल इजलास तेजा सिंह समुद्री हाल विखे 27 तरीक नूं 1 बजे होगा और जिदे विच प्रधान की चोण होएगी। सीनियर प्रधान, मीत प्रधान ते जनरल सैकटरी 11 एग्जैक्टिव मैंबर की चोण की जाएगी और सारे ही जो मैंबर साहबान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और उन्होंने सारे जिहड़े सी चिट्ठियां पहुँच गई ने, सद्दा पत्र पहुँच गए हैं और सारे ही मैं समझना कि 1 बजे तो पहला तेजा सिंह समुद्री हाल के शामिल हो के जिहड़ी साडी सालाना ये चोण हैगी और वो प्रक्रिया के मुताबिक सारी चोण जिहड़ी है उत्थे होनी हैगी। देखो ये सारा मौके पर जाके जिन्ना साढ़े अंदर जिहड़े मैंबर साहब जाणगे उत्थे जाके ही पता लगेगा क्योंकि पहला उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी अरदास हुंदी है, मुख वाक हुंदा है, सिंह साहिबान भी उस दिन आउंदे ने, उस तो बाद सारी प्रक्रिया शुरू हुंदी है और सर्वसम्मति भी हो सकती है, जेकर ना सर्वसम्मति हुई तो फिर चोण भी हो सकती है। उस की रूपरेखा तय की गई है, कितने श्रद्धालुओं ने जाना, कदों वापसी? श्री गुरु नानक देव साहब महाराज के प्रकाश पुरब से श्री ननकाणा साहब जो पाकिस्तान विच है, जो साडा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों जथा जा रहा है और 27 तरीक नूं 3 बजे तेजा सिंह समुद्री हाल दे विच्चों जिहड़ा इत्थों रवाना होएगा और ये पूरा 5 दिनां दे वास्ते वीजे लाए गए ने। 508 यात्रु जिहड़े ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों जा रहे ने और ये सिर्फ 5 दिनां वास्ते, ये पहली बार होया है कि इस तरह का बहुत घट समय का जिहड़ा वीजा पाकिस्तान सरकार ने दिता गया है। नहीं आम तौर पर 13-14 दिनों का हुंदा सी, सारे उत्थों के गुरुद्वारा साहिबान से उन्होंने भी यात्रा करके आते, दर्शन करके आते, ऐतकी सिर्फ इन्होंने श्री ननकाणा साहब का गुरुद्वारा साहब दर्शन वास्ते ऐतकी वीजा दिता गया। अपील करोगे कि अगे तो एडा जो शॉर्ट मतलब प्रोग्राम ना दिता जाए जथेदार? बिल्कुल, असीं पहला भी अपील की, अगे तो भी अपील करांगे पाकिस्तान सरकार नूं कि सानूं जिहड़ा वीजा हैगा इह खुले तौर पर अगे जिवें 14 दिनों का देंदे सी, इस तरह देना चाहिए ताकि जो श्रद्धालु जाते हैं वो सारे गुरुद्वार साहब के दर्शन करना चाहते होंगे, उन्होंने सारे गुरुद्वार साहब जाने की इजाजत होनी चाहिए है। एक संगत की बड़ी भावना सी कि 595 प्रकाश पुरब तो पहला लॉकडाउन कारण जो करतारपुर साहब का लांघा बंद किया खोलिया जाए, पर वार बार अपील करने से भी केंद्र सरकार वालों अनदेखी की गई है। मैं समझता बहुत दुख की गल है, देखो जो कोरोना वायरस करके बाकी सारिया धार्मिक स्थान थे जो खोल दिए गए हैं, सिनेमा हॉल भी खोल दिए, मॉल भी खुल चुके हैं, तो साडा जो करतारपुर से महान धरती है गुरु नानक देव साहब महाराज की, जिते उन्होंने अंतम समा जो अपने जीवन का गुजारे है, उन्होंने प्रकाश पुरब भी देखो 30 तरीक नूं हैगा। असी बार बार भारत सरकार नूं बेनती की, चिट्ठियां भी लिखिया कि करतारपुर का लांघा खोल दिता जाए, लेकिन अजे तक उन्होंने वो लांघा जिहड़ा खोलिया नहीं और पाकिस्तान वालों जिहड़ा पाकिस्तान वालों जिहड़ा है लांघा खोल चुकिया है, लेकिन भारत सरकार ने अजे तक लांघा खोलिया नहीं। सो उन्होंने हुण भी मैं अपील करता कि श्री करतारपुर का लांघा तुरंत खोलिया जाए ताकि खुले तौर पर सिख संगत उत्थे दर्शन कर सकन। अमृतसर तो जतिंद्रपाल सिंह कलेती रिपोर्ट। फगवाड़े सिंह ट्रॉनिक ने मोबाइलों की दुनिया विच कीता धमाका, कोई भी नवा फोन खरीदो ते नाल ले जाओ दूजा फोन फ्री। इत्थे ऑनलाइन नालों भी मिल रहे ने सस्ते फोन, सांझ टीवी दे दर्शकां लई निकलणगे कई वड्डे नाम, नाल ही सैकेंड हैंड फोन खरीदो ते पसंद ना आउण ते 7 दिनां विच वापस करके नवा लै जाओ। ग्राहक का समा बचाते हुए सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर की जाती है मोबाइल की रिपेयर, फिर देर किस गल की, अज ही पहुंचो सिंह ट्रॉनिक मोबाइल गैजेट्स एंड मोर गुरु हरगोविंद नगर फगवाड़ा। वधेरे जानकारी लिए संपर्क करो 98141-0824, 98552-22000।